हेलो दोस्तों, अगर आप भी कुल्लू मनाली आने का प्रोग्राम बना रहे हैं और साथ ही साथ शिमला मनाली का भी आपका पूरा कंप्लीट पैकेज चाहते हैं तो अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करें और पूरा पैकेज अपने बजट के अकॉर्डिंग डिजाइन करवाएं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको दिखा रहे हैं इस समय मनाली की एक ताजा वीडियो। अगर आप यहाँ बर्फबारी का आनंद लेना चाहते हैं, इसके अलावा अच्छा होटल बजट में चाहते हैं, अपना टूर कंप्लीट 3 नाइट या 4 नाइट का एक बजट में और एक अच्छा टूर ऑर्गेनाइज कराना चाहते हैं तो आप आइए केवल घूमो जी के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो गर्मियों की छुट्टियों में शिमला कुल्लू मनाली यानी कि हिमाचल प्रदेश की वादियों में आना चाहते हैं। तो देर ना करें, घूमो जी के अपने होटल हैं शिमला में, कुल्लू में और मनाली में। वहां आप आकर अपने बजट के अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग अपना टूर डिजाइन करें और अपने तरीके से घूम सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सभी की पहली पसंद मनाली के अंदर रोहतांग पास। जी हाँ, रोहतांग सभी की पहली पसंद बनती है क्योंकि वहां पर 12 महीने बर्फ पड़ी रहती है। जी हाँ दोस्तों, उस बर्फबारी को देखने के लिए लोग रोहतांग पास की तरफ जाना चाहते हैं लेकिन अपना गाड़ी का परमिट ना बनने की वजह से वो नहीं जा पाते हैं या उनको संपूर्ण जानकारी नहीं हो पाती है कि रोहतांग परमिट कैसे बनता है, कहां से बनता है और वहां कैसे जाएं। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो आपको मनाली के अंदर लोकल टैक्सीज या बसेस मिल सकती हैं रोहतांग घूमने के लिए, लेकिन कुछ लोग अपनी गाड़ी से रोहतांग जाना चाहते हैं तो आप मणि होते हुए रोहतांग पास जा सकते हैं। गुलाबा बैरियर पर आपका चेक पोस्ट आता है जहां पर आपकी गाड़ी की पूरी जानकारी लेकर आपकी गाड़ी को चेक किया जाएगा और आपका परमिट चेक करके ही आपको गुलाबा से ऊपर मणि होते हुए रोहतांग पास जाने दिया जाएगा। तो उसके लिए दोस्तों, हम आज आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको ये पता लगेगा कि आप अपने घर बैठे मोबाइल से ही आप 5 मिनट के अंदर रोहतांग पास का परमिट बना सकते हैं। रोहतांग पास के परमिट के अंदर बहुत सारी भ्रामिकताएं हैं कि वो नहीं बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सर्वर अच्छा है, उस समय वेबसाइट गवर्नमेंट की चल रही है, तो आप इजीली घर बैठे अपना रोहतांग पास का परमिट बना सकते हैं। रोहतांग पास के साथ साथ अगर आप मनाली में रुकना चाहते हैं तो घूमो जी के वहां पर माल रोड पर भी होटल हैं। आप चाहें तो हम नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल करके पूरी जानकारी लेकर होटल बुक करा सकते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं रोहतांग पास की परमिट की वेबसाइट पर कि कैसे बनता है रोहतांग पास। सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और वहां लिखना है रोहतांग पास परमिट। रोहतांग पास परमिट जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की वेबसाइट ओपन होगी जो कि हिमाचल प्रदेश की टूरिज्म की ऑफिशियली वेबसाइट है। यहां पर आपको कुछ ऑप्शन देखने के लिए मिल रहे हैं, रोहतांग पास परमिट, स्पेशल रोहतांग परमिट, हामटा पास परमिट, बियॉन्ड रोहतांग पास और मनाली एंट्री, चेक अवेलेबिलिटी और बहुत सारे ऑप्शन। अगर आपने रोहतांग पास के लिए परमिट चाहिए यानी कि मणि होते हुए, मणि एक ऐसी विजिट है जहां पर आपका चेक पोस्ट पर आपका परमिट चेक होगा, तो अगर आप लोग मणि भी जाना चाहते हैं तो रोहतांग होते हुए ही मणि जाते हैं। सबसे पहले मणि आता है, उसके बाद रोहतांग परमिट। अब देखिए, रोहतांग पास परमिट पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा। नेक्स्ट पेज में आपको टोटल यहां पर लिखा हुआ है, मैं आपको हिंदी में भी पढ़ के इसका अनुवाद करके बता देता हूं कि वेरियस टैक्सीज फीस टू बी पेड वाइल विजिटिंग रोहतांग पास। रोहतांग पास के लिए आपका टूरिज्म पर्पस होना चाहिए। एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून के अंडर ये आता है। यहां पर ग्लेशियर्स होते हैं, ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए एनजीटीपी और पीसीयू यानी कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंडर में यह है जगह चलती है। डेली परमिट की हम बात करें तो पेट्रोल व्हीकल्स 800 जाते हैं और डीजल के 400 जाते हैं। इसके अलावा ट्यूसडे टू मंडे 3 परमिट कैन बी ऑप्टेंड, आप बना सकते हैं। इसके अलावा जो आप परमिट बनाएंगे उसकी वैलिडिटी 6 डेज तक करंट डेट पर रहेगी। प्रिंटआउट इज कंपल्सरी फॉर ऑल परमिशंस। आप जो भी अपना प्रिंटआउट लेके जरूर जाएं, आप अपने मोबाइल में, यह जरूरी नहीं है कि स्क्रीनशॉट दिखाएं, आपको ओरिजिनल प्रिंटआउट लेकर परमिट का ले जाना होगा। इसके अलावा व्हीकल है रॉन्ग इंफॉर्मेशन और परमिट एज कंपेयर टू वैलिड प्रूफ विल नॉट बी अलाउड टू क्रॉस द बैरियर। अगर आप बैरियर पे पहुंचते हैं और अगर आपने रॉन्ग व्हीकल इंफॉर्मेशन भरी है यानी कि आप व्हीकल इंफॉर्मेशन, अपनी गाड़ी का नंबर तो परमिट पे कुछ और डाल रहे हैं और आप गाड़ी लेकर कोई और जा रहे हैं तो आपको बैरियर क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा। इसके अलावा गुलाबा ब्रिज पर ही आपका ये सब चीजें चेक कर दी जाएंगी।
अब बात करते हैं कि फीस क्या लगती है। कार और जीप की ₹500 परमिट फीस है, एमयूवी व्हीकल्स की भी 500 है और बसेस और एचडब्ल्यू है की भी 500 है। कंसेशन चार्जेस इसमें 50 50 और 100 दिखाए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां नीचे लिखा है क्लिक टू प्रोसेस टू ऑनलाइन पेमेंट। अब आप इसके अलावा यहां से क्लिक कर सकते हैं नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए। जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो आपको यहां पर अपनी अब इंफॉर्मेशन भरनी है। देखिए दोस्तों, किसी की भी सहारे की जरूरत नहीं है, किसी की भी भ्रामिकता में आने की जरूरत नहीं है। अगर आप मनाली जाकर रोहतांग घूमना चाहते हैं तो 5 मिनट में अपना पास रोहतांग का खुद बनाएं। इस प्रोसेस के थ्रू आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। सबसे पहले आपको रोहतांग विजिट डेट भरनी है, सबसे ऊपर आप कब रोहतांग जाने का प्लान कर रहे हैं। उसके बाद यहां पर भरना है आपको अपना व्हीकल नंबर, ये बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो आपको बैरियर पर रोक दिया जाएगा। फ्यूल टाइप आपका डीजल है या पेट्रोल है, आप ड्राइवर का नाम क्या है, आप जो ड्राइवर गाड़ी चलाएगा उनका नाम क्या है, ड्राइवर का होना चाहिए या आप अपना खुद नाम भर सकते हैं। मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर कौन सा है, क्योंकि उस पर आपको मैसेजेस आएंगे और आपको ओटीपी भी आ सकता है। ईमेल आईडी आप अपनी मेल आईडी भर सकते हैं, जरूरी नहीं है। इसके अलावा व्हीकल टाइप आप कार जीप एमयूवी बसेस क्या लेके जाना चाह रहे हैं, हमने यहां पर कार भर दिया। इसके अलावा पर्पस टूरिज्म का है, लोकेशन रोहतांग आप जा रहे हैं, व्हीकल रजिस्ट्रेशन डेट यानी कि आपका मॉडल कौन सा है, 2014 2010 2023 आपकी गाड़ी का मॉडल। सीटिंग कैपेसिटी 10 से 5 तक की है या बड़ी गाड़ी है आपके पास। नंबर ऑफ ट्रेवल्स, कितने लोग ट्रेवल कर रहे हैं उस गाड़ी के अंदर, 4, 3, 2 या 7 या 6। ड्राइवर प्रूफ, इसमें आप अपना डीएल यहां लगा सकते हैं। इसके अलावा ड्राइवर का डीएल नंबर डालिएगा। उसके अलावा टूरिस्ट नेम, सबसे पहले जो भी एक, जैसे आपने 4 लोग भरा है उन 4ों में से किसी एक का नाम यहां पर आप भर सकते हैं। नाम भरने के बाद उनका यहां पर डीएल, पैन कार्ड, पासपोर्ट या आधार कार्ड में से कोई भी एक यहां पर आप ऑफिशियली आईडी लगा सकते हैं। उसके अलावा पीयूसी इशू, पीयूसी यानी कि पोल्यूशन का जो आपका सर्टिफिकेट है। देखिए दोस्तों, रोहतांग परमिट जो है वो एनजीटीपी के अंडर में आता है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बड़ी सख्ताई से यहां पर चीजों को देखते हैं क्योंकि यहां पर नॉन पोल्यूशन एरिया है। तो अगर आपका गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आप नहीं जा पाएंगे। आपको अपना पोल्यूशन कराएं और यहां पर उसका सर्टिफिकेट नंबर डाल दें और यहां पर उसकी वैलिडिटी डाल दें कि ये कब तक वैलिड है। उसके बाद यहां पर आएगा एक कैप्चा, इस कैप्चा को आप यहां पर फिल करें और फिल करने के बाद नेक्स्ट पेज पर आप चले जाएं। जैसे ही नेक्स्ट पेज पर आप जाएंगे तो आपके सामने फीस का ऑप्शन आएगा, आप अपनी फीस भरिए और उसके कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही घंटों बाद आपका परमिट बनकर आपके मोबाइल पर कंफर्मेशन के साथ आ जाएगा। देखिए दोस्तों, इतना छोटा सा प्रोसेस है, डिपेंड करता है कि जैसे मैंने बताया कि 800 व्हीकल पेट्रोल और 600 व्हीकल डीजल के जाते हैं, अगर वो डेट अवेलेबल नहीं है तो वापस आकर आप यहां से डेट को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी 4, 5, 6, 7, 8 ये डेट अभी अवेलेबल है, सारी डेटों में आपको अवेलेबिलिटी आराम से यहां मिल सकती है। यानी कि अगर आज 2 तारीख में हम परमिट भर रहे हैं तो नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 5 नेक्स्ट 6 डे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 8 तारीख के बाद का परमिट अभी 4 या 5 तारीख के बाद ओपन होगा, यानी कि अगली 6 डेट्स आपको यहां पर आराम से अवेलेबल हो जाएंगी। तो किसी की भी आप गलतफहमी का शिकार ना होइए, रोहतांग परमिट जाना चाहते हैं वो भी अपनी गाड़ी से, तो इस वीडियो को जरूर देखें और अपने सभी के साथ शेयर जरूर कर दें, क्योंकि बहुत से लोग रोहतांग नहीं जा पाते हैं केवल परमिट की वजह से। तो मैं नहीं चाहूंगा कि अगर आप लोग घूमो जी के एक परिवार के सदस्य हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम मनाली हिमाचल शिमला के अंदर हम आने देंगे। आपको जो भी हमारी मदद चाहिए, हम हर संभव आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। ऐसे ही देखते रहिए घूमो जी भर के और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।